अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेली प्राइम के आज के इस अध्याय में हम बताएंगे प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, इसे टेली प्राइम में कैसे बनाते हैं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस से सेल्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं, और कोटेशन, प्रोफॉर्मा इनवॉइस और इनवॉइस, इन तीनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने अपनी कई वीडियोस में आपको सेल्स वाउचर बनाना बताया है, जिसे हम सेल्स बिल या सेल्स इनवॉइस भी कहते हैं, और आज का विषय भी इसी से मिलता जुलता है। इसमें हम आपको प्रोफॉर्मा इनवॉइस के बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि ये सेल्स इनवॉइस से क्यों अलग है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको कोटेशन के बारे में बताया था। आइए अब बात करते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस के बारे में। कई बार हम कस्टमर को कोटेशन देते हैं और कई बार कोटेशन के बगैर ही डील फाइनल हो जाती है, पर कई बार कस्टमर डील करने से पहले ही, यानी गुड्स की डिलीवरी के पहले ही हमसे सेल्स बिल मांगता है। अब सवाल है कि बिल तो हम तभी बनाते हैं जब गुड्स डिलीवर करते हैं, क्योंकि बिल बनाने से हमारी बुक्स में स्टॉक और उसका मूल्य कम हो जाता है। अब जब हम डिलीवरी नहीं कर रहे हैं तो बिल कैसे बना सकते हैं? ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बस इसी का समाधान है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। अब सवाल यह है कि कस्टमर को इस प्रोफॉर्मा इनवॉइस की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसके दो कारण हैं। पहला, कई बार कस्टमर को माल खरीदने के पहले ही पूरा पैसा एडवांस देना होता है, तो वो बिल का सही अमाउंट जानने के लिए सप्लायर से प्रोफॉर्मा इनवॉइस मांगता है, और उसी प्रोफॉर्मा इनवॉइस के आधार पर सप्लायर को एडवांस पेमेंट करता है। और दूसरा जो कारण है, उसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमें बैंक से फाइनेंस करवा कर एक मोटरसाइकिल खरीदना है, और बैंक हमें तभी फाइनेंस करेगा जब हम उसे मोटरसाइकिल का सेल्स इनवॉइस देंगे। अब सवाल यह है कि बगैर पेमेंट के मोटरसाइकिल का डीलर हमें मोटरसाइकिल और उसका सेल्स इनवॉइस नहीं देगा, तो फिर क्या करें? तो इसका हल ये है कि हम मोटरसाइकिल डीलर से प्रोफॉर्मा इनवॉइस लेकर बैंक में दे देंगे, और बैंक उस प्रोफॉर्मा इनवॉइस के आधार पर सीधे मोटरसाइकिल डीलर को पेमेंट कर देगा, और इस तरह से ही हम बैंक फाइनेंस से मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। इस तरह की कुछ और भी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें कस्टमर डिलीवरी के पहले सप्लायर से माल का बिल लेना चाहता हो। प्रोफॉर्मा इनवॉइस सेल्स इनवॉइस की हूबहू कॉपी होता है। इस पर सेल्स इनवॉइस की तरह ही क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट इत्यादि सब कुछ लिखा होता है। बस इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे बनाने से हमारी बुक्स में स्टॉक और उसके मूल्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखें, कस्टमर से ऑर्डर लेने के लिए हम कोटेशन बनाते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर हम कोटेशन में क्वांटिटी, रेट या कंडीशंस में चेंजेस कर सकते हैं। पर अगर हम किसी पार्टी को प्रोफॉर्मा इनवॉइस देते हैं, तो उसके बाद हम उस प्रोफॉर्मा इनवॉइस में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो एज इट इज सेल्स इनवॉइस की एक डमी कॉपी होता है। आइए अब देखते हैं कि टैली में प्रोफॉर्मा इनवॉइस कैसे बनाते हैं। हम वी प्रेस करके F8 प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, सेल्स वाउचर ओपन हो गया है। हम सेल्स वाउचर पर ही प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाएंगे। उसके लिए हमें सेल्स वाउचर पर रहते हुए ही यहाँ ऑप्शनल पर क्लिक करना होगा, या फिर इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ L प्रेस करना होगा। देखिए, ऐसा करते ही वाउचर में ऊपर की ओर स्टेटस के आगे ऑप्शनल लिखा आ रहा है। अब सबसे पहले F2 की प्रेस करके जिस डेट में प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाना चाहते हैं वो डेट टाइप कर देंगे। अब यहाँ पार्टी का नेम सिलेक्ट करेंगे। हम अशोक ट्रेडर सिलेक्ट कर रहे हैं। ऑर्डर डिटेल्स में मोड ऑब्लिक टर्म्स ऑफ पेमेंट में हम पेमेंट की जो कंडीशन रख रहे हैं वो टाइप करेंगे। जैसे यहां हम एडवांस टाइप कर रहे हैं।
अब यहाँ सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और फिर आइटम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ ऑर्डर नंबर में नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे। अब क्वांटिटी और रेट टाइप कर देंगे। इसी तरह यदि कोई दूसरा आइटम है तो उसकी डिटेल्स भी डाल देंगे। इसके बाद यहां यदि कोई डिस्काउंट, पैकिंग चार्जेस या फ्रेट लगाना हो तो वो लगा देंगे। और एंड में जीएसटी लगाकर इस प्रोफॉर्मा इनवॉइस को सेव कर लेंगे। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए पेज अप की प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। यहां आप जो ऑप्शन चाहें उसे यस या नो कर सकते हैं। हम बैंक डिटेल्स को यस कर रहे हैं। बैंक नेम में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर रहे हैं। इससे कस्टमर यदि हमारे बैंक खाते में सीधे पेमेंट करना चाहेगा तो कर सकेगा। इसके बाद यहाँ शो अकाउंट होल्डर्स नेम को यस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब प्रीव्यू देख लेते हैं। देखिए यहाँ ऊपर प्रोफार्मा इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ इनवॉइस नंबर लिखा हुआ आ रहा है। ध्यान रखें ये इनवॉइस से सिमिलर है इसलिए यहाँ इनवॉइस नंबर लिखा हुआ आ रहा है, पर ये कभी भी हमारी बुक्स को इफेक्ट नहीं करता है। और यहाँ नीचे बैंक डिटेल्स भी दिखाई दे रही हैं। ध्यान रखें ये बैंक डिटेल तभी दिखाई देगी जब आपने बैंक का लेजर बनाते समय उसकी पूरी डिटेल्स दी होगी। अब हम इसे प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं जिससे उसका काम भी हो जाएगा और हमें भी ओरिजिनल इनवॉइस नहीं बनाना पड़ा। अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस की जरूरत क्यों होती है और हम इसे कैसे बनाते हैं। अब जब कस्टमर हमारे खाते में पेमेंट कर देगा और हमें माल भेजने के लिए बिल बनाना होगा तब हमें नया इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। आप गो टू पर जाएं, यहां ऑप्शनल टाइप करें और ऑप्शनल वाउचर्स पर जाकर एंटर प्रेस करें। अब F2 प्रेस करके प्रोफॉर्मा इनवॉइस की डेट टाइप करें और फिर प्रोफॉर्मा इनवॉइस ओपन कर लें। इस ऑप्शनल वाउचर को रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ L की प्रेस कर दें। अब आप जिस दिन माल बेच रहे हैं F2 प्रेस करके वो डेट टाइप करें। अब यहां डिस्पैच डिटेल्स और ऑर्डर डिटेल्स में जो भी डिटेल देना चाहते हैं वो टाइप कर दें। अब इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। आइए अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा आ रहा है। ध्यान रखें अब ये जो सेल्स इनवॉइस हम कस्टमर को देंगे ये हमारे स्टॉक्स को और उसकी वैल्यू दोनों को अफेक्ट करेगा क्योंकि ये एक्चुअल सेल बिल है। यहां हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि हमने ये वीडियो टेलीप्राइम रिलीज 3 पर बनाई है। इसके पहले वाली रिलीज में जब हम प्रोफॉर्मा इनवॉइस से बिल यानी इनवॉइस बनाते थे तो बिल नंबर ऊपर नीचे हो जाते थे। टेली ने इस रिलीज में अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। आखिर में एक बार फिर आपको बता दें प्रोफॉर्मा इनवॉइस को सेल्स वाउचर पर ऑप्शनल सिलेक्ट करके बनाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने प्रोफॉर्मा इनवॉइस के बारे में जाना और साथ ही ये भी जाना
कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस से सेल्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।